हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट वन। इसके बाद प्रैक्टिस सेट टू थ्री फोर भी आ सकता है। जब तक ये चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है, पूरा एक एक टाइप का क्वेश्चन कवर नहीं हो जाता है, मैं इसके पार्ट से लेकर आता रहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, मैथ की 2 से 3 है, रीजनिंग की 9 से 10 है, और जीके का लाइव टेस्ट चलता है रात को डेली 11 बजे। अगर आप चाहते हैं सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका एक पार्ट मैंने पहले भी अपलोड किया था जिसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ओ क्यू वी जे जी टी लिखा गया तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। अब इसके लिए आपको मदर को कोड किया गया है इसमें, तो ये रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मदर को किस तरीके से कोड किया गया है ओ क्यू वी जे जी टी में। ठीक है, अगर ये आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो सिस्टर का इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, कि सिस्टर को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 26 अल्फाबेट है हमारे ए बी सी डी, उन सभी के नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, कि ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो में थोड़ी बहुत मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कि कैसे याद करना है। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो 30 सेकंड लगेगी, इतनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि बहुत जल्दी से जल्दी आप लिख लें। सभी को ए बी सी डी लिखिए एम तक फर्स्ट हाफ, फिर एम के नीचे एन से जेड तक लिखिए सेकंड हाफ। ठीक है, एक दूसरे के नीचे, इससे आपके अपोजिट भी याद हो जाएंगे कि ए जेड के अपोजिट है, ठीक है, बी आपका वाई के अपोजिट है, इस तरीके से आपको लिखना है, और यहाँ पे एम आपका एन के अपोजिट है, इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके तभी हो पाएंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कोड किया गया है। देखिए, जैसे आपका M 13 पे आता है, फर्स्ट हाफ के एंड में आता है M, और M आता है 13 नंबर पे, 13 में प्लस 2 किया गया कितना बन गया 15, और 15 पे आता है आपका O। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर लेंगे। O आपका 15 पे आता है, 15 में प्लस 2 किया जाएगा तो क्या बन जाएगा Q। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा मदर को कैसे कोड किया गया है ओ क्यू वी जे जी टी में। देखिए, M में प्लस M 13 पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो O पे आ जाएगा, O 15 पे आता है। ठीक है, O 15 पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो Q पे आ जाएगा, Q 17 पे आता है। T आपका 20 पे आता है, प्लस 2 करिए तो V पे आ जाएंगे। H आपका 8 पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो J पे आ जाएंगे। E आपका 5 पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो G पे आ जाएंगे। R आपका 18 पे आता है और प्लस 2 करेंगे तो 20 पे T आ जाएगा। उसी तरीके से आप सिस्टर को लिखिएगा सभी में प्लस 2 करके। अगर आपको पता होगा कि S 19 पे आता है तो इसमें प्लस 2 करने के बाद क्या बन जाएगा, U बन जाएगा, जो कि 21 पे आता है। ठीक है, I में प्लस 2 करेंगे K, S में प्लस 2 करेंगे U, T में प्लस 2 करेंगे V, और E में प्लस 2 करेंगे G, और R में प्लस 2 करेंगे T। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यू के यू वी जी टी। आशा करता हूँ कि ये फर्स्ट टाइप का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो, अगर आपकी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को सी बी टी जे डी लिखा तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो बेसिक में अगर आप देखो, ये देखिए, आप बहुत जल्दी कैच कर लेंगे अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे, वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइप की सीरीज ये कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसमें आपको वही याद होने चाहिए। बी आपका दूसरे पे आता है, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो सी बन जाएगा, ए में प्लस 1 करेंगे बी बन जाएगा, एस में प्लस 1 करेंगे तो टी हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वाला पेयर आपका चल रहा है। ठीक है, सी से नेक्स्ट आ जाएगा डी, उसी तरीके से आपका एल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, सब में मतलब कि प्लस 1 किया गया है, नेक्स्ट वाला लिया गया है, ए के नेक्स्ट आएगा बी, एस के नेक्स्ट आएगा टी, आई के नेक्स्ट आएगा जे, सी के नेक्स्ट आएगा डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसका निकालना है हमें लीडर का, तो इसमें प्लस 1 करेंगे एम, प्लस 1 करेंगे एफ, प्लस 1 करेंगे बी, प्लस 1 करेंगे ई, प्लस 1 करेंगे F आ जाएगा, R में प्लस 1 करेंगे S। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, M F B E F S।
ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतिक किसी संकेत में बेकर को ए सी जे जी क्यू लिखा गया तो उसी संकेत संकेत में शर्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चल रहा है आपका, देखिए इसमें माइनस वन और प्लस टू चल रहा है। देखिए अगर इसमें से माइनस वन कर दिया जाए यानी कि पीछे लेके जाएं तो ए आ जाएगा, और ए में प्लस टू कर देंगे तो सी बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम नीचे देखते हैं आकर के, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बी में से माइनस वन करेंगे तो ए आ जाएगा, ए में प्लस टू करेंगे तो सी आ जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, एक बार प्लस वाली कंडीशन देखी, एक बार माइनस वाली कंडीशन देखी, अब मिक्स भी आपकी हो सकती है। ये इसलिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा माइंड शार्प हो जाए कि कैसी कैसी कंडीशन आपके साथ बन सकती है। अब यहीं पे माइनस वन की जगह माइनस टू भी हो सकता है, थ्री भी, ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बट सिचुएशन क्या क्या बन सकती है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ। के में प्लस वन कर देंगे जे बन जाएगा, प्लस टू बन जाएगा कर देंगे तो जी बन जाएगा, और आर में प्लस टू कर देंगे तो क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप इजीली कर लेंगे तो उसी प्रकार आपका शर्ट का हो जाएगा। एस में माइनस वन करेंगे आर बन जाएगा, एच में प्लस टू कर देंगे जे बन जाएगा, आई में माइनस वन करेंगे तो एच बन जाएगा, और आर में से प्लस टू कर देंगे तो टी हो जाएगा, और टी में माइनस वन तो एस। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, आर जे एच टी एस। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतिक भाषा में गोन को आई एल पी भी लिखा जाता है तो क्राइब को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप इसे खुद से भी ट्राई करके देखिए एक बार, अभी तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो देखिए एक बार ट्राई करके कि क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या बन सकता है। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, ठीक है, और ये आपको वीडियो को पॉज करके देखना है, वीडियो को रोक करके जब ट्राई करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या चल रहा है, अब वहाँ पे हमने प्लस वाली कंडीशन, माइनस वाली, प्लस माइनस में वन वाली कंडीशन, अब यहाँ पे प्लस टू, प्लस माइनस थ्री, कुछ भी कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन से आपका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और अभी तो इसके चार पाँच पार्ट आएंगे ना, अगर आपने ये भी देख लिए तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो इसमें जी सेवन नंबर पे आता है, इसमें प्लस टू कर लेंगे तो ये आई पे आ जाएगा, आई पे नाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे ओ आपका फिफ्टीन पे आता है, इसमें से माइनस वन कर लेंगे तो एल बन जाएगा, एन आपका फोर्टीन पे आता है, इसमें प्लस टू कर लेंगे तो पी आ जाएगा, ई आपका पाँचवें पे आता है तो माइनस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, टू आपका पी आता है टू पे। ठीक है, उसी प्रकार आपको ये करना है बिल्कुल क्राइब को, तो इसको लिखेंगे सी में सी आपका थर्ड में थ्री पे आता है, उसमें प्लस टू कर लेंगे तो ई बन जाएगा, आर आपका 18 पे आता है, इसमें से माइनस थ्री कर लेंगे तो आपका ओ बन जाएगा, आई आपका 9 पे आता है, ठीक है, और इसमें प्लस टू कर देंगे तो आपका के बन जाएगा, और बी आपका 2 पे आता है, इसमें से माइनस थ्री कर देंगे तो वाई बन जाएगा। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे वाई यार इसमें से 3 माइनस करने के बाद ये मतलब वापस चला जाएगा, ठीक है, ए पे जाएगा, जेड पे जाएगा, फिर वाई पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचना है कि अब इसमें से क्या माइनस करेंगे तो ए पे ए के बाद कहाँ पे जाना है, ये देखिए कैसे लिखे होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था जिसमें आकर लिंक आया भी होगा आपके पास, ए बी सी डी से लेके यहाँ पे एम तक, फिर एन, फिर जेड तक, ये ऐसे ये गोल बन जाता है एक। ठीक है, फर्स्ट हाफ 13 का और सेकंड हाफ 13 का, और ये ऐसे मिल जाते हैं। अगर पीछे हटने के लिए बोलेंगे तो आपको जेड वाई यू ऐसे इस तरीके से जाना है। ठीक है, आगे चलने के लिए बोलेंगे तो इस तरीके से जाना है, ऐसे घूमना है, इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ से, या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई ओ के वाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतिक भाषा में नोबेल को क्यू आर ई ओ एच लिखते हैं तो उसी संकेतिक भाषा में पी एल ए टी ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन अगर किसी ने पढ़ रखा होगा पहले कोडिंग डिकोडिंग, बहुत आसान लग रहे होंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पार्ट पहला है, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, लेवल इंक्रीज भी करते चलेंगे। मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट एक ही रहता है कि सबसे पहले कुछ भी पढ़ाऊँ उसका बेस थोड़ा सा आपको समझ में आए तभी नेक्स्ट पार्ट पे चलें, क्योंकि चीज़ें क्लियर तभी होती हैं जब थोड़ा बहुत बेसिक आता हो। अगर मैं आपको डायरेक्ट हाई लेवल पे चलूँ लेके चला जाऊँगा, कुछ बच्चों को तो उसमें फ़ायदा होगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जिसको बिल्कुल बेस से पढ़ना है, और मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट यही है कि सबको साथ में लेके चलना है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए खासकर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि यार जिनसे आता है वो तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, वो कुछ एनालाइज भी कर सकते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है जो बिल्कुल पहली बार तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों तक ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें, बताया करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी आप भी देख रहे होंगे, डेली वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कंडीशन कुछ भी रहे। सैटरडे संडे में आपको बाई चांस वो भी वो मिलेगी आपको सातों दिन, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि एक दो वीडियो मिस हो सकती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन क्या है, अगर आपको पता होगा इन सभी अल्फ़ाबेट्स के नंबर का तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब एन में प्लस थ्री करिए तो क्यों आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखाता हूँ, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है ऐसे। नोबेल में देखिए एन आपका 40 नंबर पे आता है, अगर इसमें प्लस थ्री कर देते हैं तो क्यू पे बन जाता है, ठीक है। ओ आपका 15 पे आता है, प्लस थ्री करेंगे आर हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे याद कैसे किए जाए, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन भी कवर कर लेना, अगर 100-150 क्वेश्चन इस टाइप का कवर कर लें तो आप ऑटोमेटिक यार आधी चीज़ें तो याद हो जाती हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था ई ज्योति, ठीक है, ई जे ओ टी वाई, तो ये होता है 5 के मल्टीपल का याद करने का, ठीक है। ई पे आता है 5, ई ज्योति जे ओ टी वाई, 10, 15 और आपका आ जाएगा 20 और 25। ये इस तरीके से ई ज्योति से आप याद कर सकते हैं 5 के मल्टीपल। अब पहले ए बी सी डी के आपको पता ही है, लास्ट के भी पता है, तो बीच के 13 पे आता है आपका एम और 12 पे आता है आपका एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब अपने आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस वैक्टिस ही, ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाते हैं। तो इन सभी में प्लस थ्री किया तो आपका ये बन गया, तो आगे भी आपको इसी तरीके से प्लस कर देना है। प्लेट में तो 33 प्लस करिए तो क्या बन जाएगा, P16 पे आता है प्लस थ्री एस, प्लस थ्री ओ, प्लस थ्री आपका डी और प्लस थ्री आपका डब्ल्यू, और ई में प्लस थ्री करेंगे तो एच, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये छोटा सा बेसिक सा पार्ट था जिसमें आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ये एक टाइप का था। कल लेके आऊँगा फिर मैं एक नई वीडियो के साथ में, और जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ में जरूर शेयर किया करें, जो आपके दोस्त हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दूसरों तक चीज़ें पहुँच जाए। और आप भाई मैं किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, ना मैं आपसे कोई भी डोनेशन लेता हूँ। एक स्पॉन्सरशिप का बटन आता है, मैं वो भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि कई बार गलती से आप क्या पता पे कर दे, फिर यार हो जाती है गलती, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।